कहा तो उन्होंने था कि मुल्ला उमर से इंटरव्यू आपका तय है। आखिरी वक्त पे उन्होंने कहा जी नहीं, फलां साहब करेंगे, वो नहीं, वो तो बैठते ही नहीं, सामने आते ही नहीं, उन्होंने इनकार कर दिया। एपी में अफगानिस्तान जाने का काफ़ी इत्तफाक रहा। उस ज़माने में पहले तो मुजाहिदीन का सिलसिला था जो जाते थे वहाँ पे, और रूस उधर से था बैठा हुआ, उसमें तो स्मगल होके जाते रहे। दूसरा फिर ये था कि जिस वक्त इन्होंने मुजाहिदीन के ग्रुप्स ने रूस को वापस जाने पे मजबूर किया, वो जाने लगा, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने पेशावर में एक इजलास में तमाम मुजाहिदीन ग्रुप्स को बिठा के एक वो बनाया ग्रुप, वज़ीर आज़म बनाया गुलबुद्दीन हिकमतयार को, अहमद शाह मसूद जो थे शुमाली इत्तेहाद वाले, इनको बनाया उन्होंने वज़ीर दफ़ा, डिफेंस मिनिस्टर। बस समझ लीजिए कि कुछ दिन ही चली वो गवर्नमेंट और उसमें उन्होंने आपस में लड़ना शुरू कर दिया। वहाँ इतनी फिर मारा मारी हुई है क्योंकि वज़ीर आज़म जो था वो डिफेंस मिनिस्टर से लड़ रहा था, तो वो शहर के बाहर उसका ठिकाना था ज़्यादा, वहाँ से वो रॉकेट चलते थे जो शहर में आके गिरते थे। शहर के अंदर जो था अहमद शाह मसूद डिफेंस मिनिस्टर थे, लेकिन इन्होंने दोस्तों मलेशिया के हवाले की भी थी सिक्योरिटी। ज़्यादातर जो था वो अफ़गान जो महाजरीन थे उसमें से कोई ना कोई वहाँ मिल जाता था जो कराची में रहा, उर्दू जानता था, लेकिन अच्छे लोग थे, मतलब ख्याल रखते थे। वहाँ उस ज़माने में कोई ज़्यादा दिक्कत ऐसे नहीं होती थी जैसे तालिबान के ज़माने में। अलबत्ता ये था कि जो शुमाली इत्तेहाद वाले थे ये शुरू से प्रो इंडियन थे, ये हमें बड़ी नफरत से देखते थे, और हर आदमी पाकिस्तान से जो आया वो ISI का है। 96 में फिर ये इनका हुआ तालिबान का, इनको कवर करने के लिए काबुल के बजाय पहली दफ़ा मैं कंधार गया, वरना तो उधर ही का चक्कर लगता था। यहाँ कंधार में एक साफी आया था जो AP ने, उन्होंने AP से रिक्वेस्ट की थी पिक्चर्स की, तो मुझे भेजा था उसके साथ। फैक्ट मैगज़ीन था स्विट्ज़रलैंड का। कहा तो उन्होंने था कि मुल्ला उमर से इंटरव्यू आपका तय है। आखिरी वक्त पे उन्होंने कहा जी नहीं, फलां साहब करेंगे, वो नहीं, वो तो बैठते ही नहीं, सामने आते ही नहीं, उन्होंने इनकार कर दिया। तो फिर उसका जो नीचे के लोग थे उनसे इंटरव्यू हुआ था। अब तस्वीर कैसे बने, तस्वीर फिर ऐसे मैंने बनाई कि पॉइंट एंड शूट मेरे पास था, तारीखी कैमरा था, वो भी मेरे वेस्पा की तरह था। जब मैंने बैग तो उनके सामने रख दिया, अब मेरी जेब में था छोटा कैमरा, मैंने उसको बोला तहारत, उसने बोला बाहर जाओ, ऊपर जाओ। मैं बाहर गया तो वहाँ पे जो है वो दीवार की तरफ कच्चा कोठा सा बना हुआ था, उधर वो सीढ़ी बाँस की लगी हुई थी, मैं उस पर चढ़ा क्योंकि मैंने कहा ये दीवार की तरफ है, इधर से शहर का व्यू भी होगा। ऊपर गया तो बड़ी वो गन लेके बैठा हुआ तालिब, उन्होंने मुझे देखा, मैंने उससे बात ही नहीं की, और कैमरा निकाला, 3-4 तस्वीरें बनाई। वो ये समझा कि नीचे से भेजा है किसी ने। 3-4 मैंने गन की तस्वीर बनाई, फिर मैंने वही किया जो पैनम वाला था कि एक इसको ले के और शहर का व्यू ले लो, उसके पीछे जाके मैंने 1-2 शॉट बनाए। चुप करके मैं उतरा, कैमरा जेब में डाला और हाथ को मैं यूं करता हुआ बैठ गया। अब वो मुझे इशारा कर रहा है ना गोरा, कुछ करो तस्वीर। जब वहाँ से निकले हम 1-1.5 घंटे के बाद, तो वो मुझे निकलते कहने लगा कि तुम इनकी तो बना लेते। मैंने कहा मारते, कैमरा भी ले लेते और जो मेरे पास है वो भी छीन लेते। कहे तुम्हारे पास क्या है? मैंने कहा ये मैंने बनाया है। वो ज़ाहिर उस वक्त फिल्म के कैमरे होते थे, ऊपर चढ़ गया था मैं, ऊपर से शॉट रहा हो सुनने पड़ गया मुझे। उसने कहा बस कंधार है ना, मैंने कहा बिल्कुल है, और गन भी है और तालिबान भी, तालिब भी बैठा हुआ। वो फैक्ट में छपी थी फ्रंट पेज पे, और $1000 उन्होंने वहाँ से भेजा था AP को, पेमेंट का ब्यूरो को जाता है वो पैसा।